अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले चुके कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर देश कोई ना कोई कदम उठा रहा है। हमारा देश भी इस वायरस की चपेट में है। अब तक भारत में कोरोना वायरस से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे इस कोरोना वायरस के फैलने से रोका जा सके। 13 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे, नई मुंबई, नागपुर जैसे शहरों में जिम, स्विमिंग पूल, मॉल और सिनेमा हॉल बंद करने का ऐलान किया है ताकि लोगों की भीड़भाड़ होने से रोका जा सके। वहीं 14 मार्च को महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने आदेश जारी कर कहा है कि अगले 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे जाए। 17 मार्च को एक 64 साल के बुजुर्ग की मुंबई में कोरोना वायरस से हुई मौत से महाराष्ट्र में जगह जगह लोगों को सावधान किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए, घरों से कम निकले और सावधानी बरते ताकि कोरोना वायरस की रोकथाम रोक सके। इसी मामले में ठाणे जिला अधिकारी राजेश नार्वेकर ने एक आदेश जारी किया है कि पूरे ठाणे जिले में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी बेचने वाले सभी दुकानें, पान की दुकान जहां बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बिकता है, उन्हें अगले आदेश मिलने तक बंद किया जाए। राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए पान, गुटखा खाकर थूकने व सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट, बीड़ी पीने से इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ये सारी चीजें बेचने वाली दुकान, पान शॉप के बंद रखा जाए। इसके साथ उन्होंने लोगों को एक जगह जमा होने वाले पब, डिस्को, लाइव ऑर्केस्ट्रा बार, उन्हें भी अगले आदेश मिलने तक बंद रखा जाए। जिला अधिकारी राजेश नार्वेकर ने कहा है जो इस आदेश को नहीं मानेगा या इसका उल्लंघन करेगा उस पर महाराष्ट्र कोविड 19 उपाय योजना 2020 के नियम 11 अनुसार आईपीसी 45 ऑफ 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।